चलो आगे के पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। आगे का पद्यांश है हमारा, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। तो देखो नील क्या कहता है यहाँ पे कि मेरी पत्तियां कैसी है, घनी है, घनी होने के कारण इसकी छाया भी कैसी है, शीतल है। शीतल का मतलब क्या होता है? हाँ, शीतल का मतलब होता है ठंडी। यानी आपने नीम का पेड़ तो देखा ही है, देखा है ना, नीम का पेड़ कितना घना होता है, और इतना घना होने के कारण, उसकी बहुत ज्यादा पत्तियां होने के कारण उसकी हवा भी कैसे आती है, ठंडी आती है, और उसकी छाया पर कैसे रहती है, तो ठंडी रहती है ना। तो वहां पे देखो आगे नीम क्या कहता है हमें, गर्मी और थकान मिटी, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नीम यहाँ पे कहता है कि जो भी व्यक्ति हो, जो भी प्राणी हो, नीम के पेड़ के नीचे आता है तो उसकी सारी थकान मिट जाती है ना। उसके पेड़ के नीचे आते ही उसकी सब गर्मी निकल जाती है, सब थकावट मिट जाती है, सारी थकान मिट जाती है ना। यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, फिर एकदम ठंडी सी हवा मिलती है, ठंडी सी छाया मिलती है। फिर नीम इसीलिए यही पे यहाँ पे कह रहा है कि न गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। यानी नीम के छाव में जो आता है, नीम के पेड़ के नीचे जो बैठता है, तो उसे ऐसे ही शीतल महसूस होता है, उसकी थकावट सब मिट जाती है। ऐसे यहाँ पे कौन कह रहा है? नीम कह रहा है। आप भी कभी गए हो नीम के पेड़ के नीचे? हाँ, आप में से बहुत सारे लोग अभी फार्मर्स भी है, किसी की यहाँ पे खेती भी होगी, या घर के पास भी किसी ने नीम का पेड़ लगाया होगा। और नीम का पेड़ तो हमें जगह जगह मिल जाता है ना। तो उसके नीचे जब हम खड़े रहते हैं ना, तो एकदम एक ठंडक से महसूस होती है। क्यों? तो ये क्योंकि उसकी पत्तियां कैसे होती है, घनी होती है, इसलिए उसकी छाया भी शीतल होती है, और उसकी वहां पे जो हवा आती है वो भी ठंडी ही महसूस होती है ना। तो चलो आगे के पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। आगे का पद्यांश है, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। फिर नीम का पेड़ हमें क्या कह रहा है बोलो? हाँ, नीम का पेड़ हर एक मनुष्य से कह रहा है, हम सब से कह रहा है कि मैं तुम्हें कितना सुख देता हूँ, है ना। नीम का पेड़ कितना सुख देता है वो तो हमने अभी इस कविता में भी देखा कि वो डॉक्टर भी नहीं है, वैद्य हकीम भी नहीं है, फिर भी उसका बहुत सारे इस्तेमाल हमने देखे है। या उसकी सूखी पत्तियां भी हमने अनाज में डाल दिए, उन्हीं कपड़ों में डाल दिए, फिर भी हमारे कपड़े बच जाते हैं, अनाज बच जाता है, उसके धुएं से मक्खी मच्छर दूर भाग जाते हैं, उसकी ठंडी छांव में हम बैठ सकते हैं, हमारी सब थकान मिट जाती है। और आयुर्वेद में भी नीम की पत्तियों का बहुत सारा महत्व है। नीम का पेड़ ही ऐसा है कि ये इतना सुख देता है कि उसकी जड़ से लेकर उसके फल तक, फूल तक, सब हमारे काम में ही आते हैं। इसीलिए यहाँ पे नीम का पेड़ हमें कहता है कि मैं आपको कितना सुख देता हूँ, ऐसे वो कहता है। और सूरज के किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। और वो क्या करता है फिर कि सूरज की किरणों से भी मिलकर हवा क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। इसीलिए उसका कहना है कि नीम का पेड़ हर एक मनुष्य से, हमें सबसे कहता है कि मैं तुम्हें इतने सुख देता हूँ, तो तुम मुझे काटना मत। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ काट डालते हैं, है ना। पेड़ काटने की वजह से भी हमें बहुत तकलीफ होती है, बारिश पर असर होता है, दूसरा तो और हवा भी अपनी शुद्ध आती नहीं है, हवा खिलखिलाती नहीं रहती है ना। और यही पे फिर नीम का पेड़ कहता है कि मैं तो आपको सब सुख देता हूँ, इसलिए आप क्या करें, और सूरज के साथ में हवा भी शुद्ध कर देता हूँ, इसलिए आप सब मुझे कोई भी मत काटो। हर एक मनुष्य से वो एक कह रहा है, उसकी बात रख रहा है कि मुझे कोई भी काटो मत। चलो देखो आगे के पद्यांश में वो क्या कहता है, सूरज तारे धरती चांद की, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी। वो आगे कहता है कि
जब तक संसार में इस संसार में सूर्य रहेंगे, तारे है, धरती है, चंद्रमा है, ये सब रहेंगे, तब तक मैंने हमेशा सबको सुख देने का मैंने क्या कर लिया है, एक संकल्प करके रखा है। हमेशा सबको सुख देने की मैंने मन में ठानी है। यानी वो कहता है कि जब तक सूरज रहेगा, जब तक तारे रहेंगे, जब तक धरती रहेगी, चांद रहेगा, तब तक इनकी जब तक ये कहानी चलती रहेगी, तब तक मैंने भी मन में एक संकल्प करके रखा हुआ है, हमेशा आप सबको मैं क्या देता रहूंगा, सुख देता रहूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? हाँ, ऐसा नीम कह रहा है। इसीलिए यहाँ पे फिर नीम हमें क्या कहता है कि मुझे आप काटो मत, मैं इतना सुख देता हूँ, आपको इतनी शुद्ध हवा भी दे रहा हूँ, और मैंने मन में एक संकल्प भी करके रखा है कि सूरज, तारे, धरती, चांद, इन सब की जब तक कहानी रहेगी, तब तक आपको क्या करने में हमेशा सुख देता ही रहूंगा। ऐसे यहाँ पे हमने नीम ने कहा है ना। कितनी सुंदर सी एक कविता है, और इस कविता से हमें बहुत सारा सीखने को भी मिला है, और नीम का महत्व भी हमें जानने को मिला है। आपने तो अभी तक सिर्फ नीम के पेड़ के नीचे खेलना या कूदना या वहाँ पे बैठकर आराम करना ऐसा ही देखा होगा, पर नीम के पेड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। ये बहुगुणी है, उसके पत्ते भी काम आते हैं, उसके फल भी काम आते हैं, उसकी जो खाल निकलती है वो भी काम में आते हैं, और जब ये पेड़ सूख जाने के बाद उसकी लकड़ी भी काम आती है। यानी ऐसा ये नीम का पेड़ बहुगुणी हमारे लिए साबित है ना। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम हमारी कविता पूर्ण करते हैं और मिलते हैं हम आगे के पाठ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।